रंग तरंग में आप सभी का स्वागत है। भारत विविध बोलियों, पहनावे और संस्कृति का देश है। यहाँ की विविधता की पहचान पूरी दुनिया में अपनी खुशबू बिखेर रही है। तो आज हम आ पहुँचे हैं सरस मेले में, जहाँ भारत के हर राज्य का खान पान, वहाँ के लजीज व्यंजन आपका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। और क्या कुछ खास है इस सरस मेले में आपको दिखाएंगे और साथ में दिखाएंगे कला, संस्कृति और साहित्य से जुड़ी कहानियाँ रंग तरंग में। तो आइए आगाज करते हैं एक नई कला परिक्रमा का। ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से आयोजित सरस फूड फेस्टिवल 2022 हर राज्य के स्वादिष्ट व्यंजनों और पकवानों का लजीज जायका लेकर आया। गुजरात की स्वाद से भरी थाली, दक्षिण भारत का इडली डोसा या फिर उत्तर पूर्व के मोमोज, खाने के शौकीन लोगों के लिए यहाँ सब कुछ था। गांव की परंपरागत जो हमारी रेसिपी होती है, जो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है क्योंकि उसमें बहुत सारे चीज़ें जुड़ गई हैं, ये उन मूलतः उन हमारी देश की कला परंपरा, खान पान की जो परंपरा है उसको मेंटेन करते हुए ये फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। इस सरस मेले की खास बात ये थी कि यहाँ न केवल स्वादिष्ट व्यंजन मौजूद थे बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर भी खास जोर दिया गया। ट्राइबल फूड स्टॉल हो या फिर ट्रांसजेंडर्स के लिए फूड स्टॉल पर लोगों से जुड़ने का एक खास मौका, सब कुछ इस सरस मेले को अनोखा और खास बना रहा था। मुझे बहुत अच्छा लगा और सबसे ज़्यादा राजस्थान की प्याज की कचौड़ी और मेवे की कचौड़ी, मावा कचौड़ी जो है वो बहुत ही टेस्टी लगी यहाँ की। इसमें है ये कैसांगरी की सब्जी, ये बाजरे की रोटी, लहसुन की चटनी। दिस इज टिपिकल प्रॉपर राजस्थानी खाना जो दिल्ली में नॉर्मल रेस्टोरेंट में मिलना बहुत मुश्किल होता है। ये कैसांगरी की सब्जी बनाना ही बहुत मुश्किल होता है। इट इज एन आर्ट टू मेक कैसांगरी। सरस मेले में युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों, बच्चों सभी की भीड़ उमड़ रही है। आपके मुंह के हर स्वाद में इजाफा करने के लिए यहाँ चाट, पकोड़े, बिरयानी और लिट्टी चोखा जैसे शानदार व्यंजन मौजूद हैं। हर राज्य की विशेषता कही जाने वाली मधुरता से भरी मिठाइयाँ भी इस सरस मेले का आकर्षण बन रही हैं। सारे स्टेट को एक जगह पे लाके सबका ट्रेडिशन, सबका कल्चर एक साथ, सबका फूडिंग लाना बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के द्वारा। I love the tikki and the papri chaat. Yeah. Oh my god. Very nice. बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं। मैं रेगुलर यहाँ आती हूँ और इस टाइम बहुत वेल ऑर्गेनाइज है, साफ है, बहुत फर्क है। सरस मेला वाकई पाक कला के सभी रसों को अपने भीतर समेटे था और यहाँ आने वालों को एक नए चटखारे और स्वाद से भर गया। हमारे देश की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसमें हर किसी के लिए आगे बढ़ने का मौका है, स्त्री पुरुष या ट्रांसजेंडर वर्ग, जो तमाम चुनौतियों के बाद भी समाज में अपनी जगह बना रहे हैं। और कुछ ऐसे ही लोगों से आपकी मुलाकात करवाते हैं जो आज अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं और इस सरस मेले को खास बना रहे हैं। अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम अमृता हूँ, आई एम फ्रॉम केरला कोच्ची, अनामिका कोच्ची। मेरा जिसका सिक्स सरस मेला है वो नेचुरल फ्लेवर का जूस है, मैं अलग फ्लेवर का जूस, लस्सी का फ्लेवर है, फ्रेश लाइम फ्लेवर, देखिए मेरा फेवरेट ही जूस है। जूस पीने के बाद अच्छा सा बनाते हैं, उस खुशी से बोलते हैं और उनका हंसी नहीं, सर्व करने के बाद उनका हंसी अच्छा दिखता है, अच्छा सा सेल भी है इधर। तो रोल मॉडल की यहाँ पर बात कर रहे हैं और सरस मेले में ये ट्रांसजेंडर्स जो काम कर रहे हैं वो सच में रोल मॉडल हैं। और जब आपका नेतृत्व आपके सामने आदर्श पेश करता है तो हर देशवासी का मन करता है कि वो कुछ हट कर करे, देश के लिए कुछ नया करे। और प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व अपने आप में ऐसा ही है और इसी की मिसाल है ये ग्रामीण मंत्रालय की तरफ से सरस मेला। तो आइए आपको प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व से जुड़े कुछ और रंग दिखाते हैं, आपको एक खास कला प्रदर्शनी में लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऊर्जावान व्यक्तित्व यूं तो हर देशवासी के लिए प्रेरणा का स्रोत है, लेकिन कलाकारों के लिए भी उनका जीवन किसी सीख और मिसाल से कम नहीं। कई कलाकारों ने प्रधानमंत्री के जीवन को अपनी कला के माध्यम से प्रदर्शित किया है और प्रधानमंत्री की ऐसी ही सुंदर तस्वीरों से सजी थी मॉडर्न आर्ट गैलरी की एक कला प्रदर्शनी, जिसमें कलाकार अकबर साहब नरेंद्र मोदी के जीवन से जुड़ी सुंदर छवियों को कुछ अलग अंदाज में प्रस्तुत किया।
मैंने मोदी साहब के ऊपर 55 पेंटिंग्स बनाया हुआ है, 100 पेंटिंग्स दुबई में बनाया हुआ था। तो मोदी साहब इतने स्ट्रांग लीडर्स हैं तो इम्प्रेस होके उतने पेंटिंग बनाए। मोदी साहब जो काम करते हैं 18-20 घंटे काम करते हैं, जो स्पीचेस में वगैरह उनका जो पॉजिटिव पॉइंट्स वगैरह है, जो इंस्टेंट जो डिसीजन लेते हैं, तो उसके ऊपर इंस्पायर होकर हर पेंटिंग पे आई हैव एंजॉयड लॉट विद दैट। इस कला प्रदर्शनी का उद्घाटन पिछले दिनों केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने किया। दुबई में रहते हुए देश का प्रधानमंत्री के बारे में क्या काम हो रहे, लोग क्या सोच है, प्रधानमंत्री जी कैसा काम कर रहे, दुनिया में प्रधानमंत्री जी के बारे में दुनिया के लोगों का क्या सोच है, ये सब इसमें उनका पेंटिंग्स में बताए गए। गांव से लेकर इंटरनेशनल तक प्रधानमंत्री के बारे में एक सक्सेस स्टोरीज, एक इम्पैक्ट जो एज ए चीफ मिनिस्टर, एज ए प्राइम मिनिस्टर बता चुका है। इस आर्ट एग्जीबिशन में जहां प्रधानमंत्री के जीवन से जुड़े कई अहम पलों को रोचक अंदाज में दिखाया गया, तो वहीं राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने जो भी संदेश दिए और जो भी अभियान चलाए, उनकी छवि भी इस प्रदर्शनी में देखने को मिली। प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व अब देश की सीमाओं को पार कर वैश्विक शख्सियत के रूप में सामने आ चुका है। इसकी झलक भी इस कला प्रदर्शनी में साफ तौर पर देखने को मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संघर्ष भरा जीवन, प्रेरणा से भरा बचपन और ऊर्जा से भरी उनकी युवावस्था न केवल भारत के युवाओं के लिए प्रेरणा है, बल्कि चित्रकारों और कलाकारों के भीतर छिपी सुंदरता को भी उनकी शख्सियत उजागर करती रही है। सुप्रसिद्ध चित्रकार अकबर साहब के ये खूबसूरत चित्र प्रधानमंत्री के सोने जैसे खरे व्यक्तित्व की चमक पूरी तरह से बिखेरने में कामयाब रहे। रंगतरंग डीडी न्यूज। कभी कभी मुझे लगता है कि लोग फूलों पर कविताएं लिखते हैं, चांद तारों पर कविताएं लिखते हैं, लेकिन खाने पर लोग कविताएं कम लिखते हैं, जबकि खाना हमारे भीतर मौजूद सारे रसों को जगा देता है। और सरस मेले में यही रस आपको देखने मिलते हैं, और न केवल रस देखने को मिलते हैं बल्कि स्त्री शक्ति का भी एक बहुत अच्छा उदाहरण आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर स्त्रियों को रोजगार मिल रहा है, वो अपने पैरों पर खड़ी हो रही है। हमारे साथ असम की कुछ महिलाएं हैं, अपना नाम बताइए जी। नमस्ते, मेरा नाम तुलिका गोगोई स्वर्गियारी है, मैं असम के गुवाहाटी से हूँ, कामरूप मेट्रो से। क्योंकि हम लोग मशरूम फार्मर हैं इसलिए मशरूम स्पेशलिस्ट है, तो मशरूम काड़ी वगैरह रखा था लेकिन इतना सेल नहीं हुआ, इसीलिए हम लोगों ने मशरूम मोमो बनाया है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि जब मशरूम की सेल नहीं हो रही थी तो अपनी क्रिएटिविटी लगाकर, अपना दिमाग लगाकर उन्होंने मशरूम मोमोज बना डाले। हमारी भारतीय स्त्रियों की यही सबसे खास पहचान है, अगर उनके सामने कोई चुनौती आती है तो वो हार नहीं मानती, बल्कि अपने दिमाग से, अपनी क्रिएटिविटी से उसका एक नया उपाय ढूंढ लेती हैं। और इसी स्त्री शक्ति का प्रदर्शन हुआ था पिछले दिनों कमानी ऑडिटोरियम में, जहाँ डॉक्टर सोनल मानसिंह के नृत्य निर्देशन में एक खूबसूरत नृत्य नाटिका का मंचन हुआ। आपको दिखाते हैं स्त्री शक्ति की एक झलक। भारत की नारियां केवल भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में अपनी प्रतिभा का परचम लहराती रही हैं। कश्मीर की प्रतिभावान और शूरवीर स्त्रियां भी किसी से कम नहीं रही। धरती का स्वर्ग जहां अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध रहा है, तो वहीं यहां की स्त्रियां अपनी कर्मठता, निष्ठा और अदम्य इच्छा शक्ति से इतिहास में अपना नाम दर्ज कराती रही हैं। ऐसी ही 13 महिलाओं की कहानी से सजी थी नृत्य नाटिका स्त्री देश। इस डांस डॉक्यूमेंट्री में कश्मीर से जुड़ी हुई 13 महिलाओं के संघर्ष और उनकी सफलता की कहानी को नृत्य के माध्यम से दर्शाया गया। एक और इस नृत्य नाटिका में रानी दिद्दा की कहानी थी, जिन्होंने कश्मीर से लेकर काबुल तक स्त्री शक्ति का परचम लहराया, तो वहीं यशोवती, ईशान देवी, वाकपुष्ट, सुगंधा रानी, श्रीलेखा, शिला, सूर्यमती और कलहणिका की कीर्ति गाथाएं भी शामिल की गई थी।
जिस तरीके से कश्मीर को पेश किया गया है, अब असली जो इसकी कहानी है, इतिहास है, वो उजागर होगा आज से। तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी हम लोगों पे है और मैं भगवती और सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली ये काम करने की। कार्यक्रम में केंद्रीय संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। इस डांस डॉक्यूमेंट्री की पटकथा डॉक्टर आशीष कौल ने लिखी थी। संस्कृति मंत्रालय की ओर से आयोजित इस नृत्य नाटिका का निर्देशन किया था सुप्रसिद्ध नृत्य गुरु और राज्यसभा सांसद सोनल मानसिंह ने। खास बात ये थी कि ये नायिकाएं समाज में मौजूद लिंग भेदभाव और कुरीतियों से लड़कर शिखर तक पहुंची थी और अपने क्षेत्र में अपने कुशल नेतृत्व से पहचान कायम की थी। विदेशी दूतावासों से जुड़े प्रतिनिधियों को भी इस नृत्य नाटिका के माध्यम से भारतीय संस्कृति के अनोखे दर्शन हुए, साथ ही भारतीय नायिकाओं की अनकही कहानियां भी सुनने को मिली। ये नृत्य नाटिका वाकई कला प्रेमियों को एक यादगार अनुभव देकर गई। रंग तरंग डीडी न्यूज। रंग तरंग में इस वक्त हम मौजूद हैं सरस आजीविका मेले में, जहां हर राज्य का लजीज खाना आपको अपनी तरफ खींच रहा है, साथ ही हर राज्य की कला और संस्कृति से जुड़े रंग भी आपको यहां पर नज़र आ रहे हैं। और कला और संस्कृति का गढ़ विश्व भारती भी है, जिसके कला भवन ने हाल ही में 100 वर्ष पूरे किए हैं। कला भवन के कलाकारों, उसके विद्यार्थियों की कला प्रदर्शनी को हाल ही में दिल्ली में आयोजित किया गया और इस कला प्रदर्शनी को आम लोगों के साथ साथ प्रधानमंत्री की भी सराहना मिली। रविंद्रनाथ टैगोर की कला यात्रा, उनके जीवन मंत्रों और भारतीय संस्कृति की अनगिनत कहानियां खुद में समेटे विश्व भारती संस्थान ने अपने स्थापना के 100 बरस पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर दिल्ली की ललित कला अकादमी में विश्व भारती के कला भवन के शिक्षकों और विद्यार्थियों की कलाकृतियों से सजी एक कला प्रदर्शनी का आयोजन कला भावना के नाम से हुआ। इसमें मूर्तिकला, शिल्पकला, चित्रकला और आधुनिक जमाने का कलेवर समेटे कलाकृतियां भी शामिल की गई। कला भवन से लंबे समय से जुड़े हुए कलाकारों ने इस कला प्रदर्शनी को एक यादगार अनुभव बताया। इट्स ए टोटली स्टूडेंट्स फैकल्टी का टीम वर्क जो यहाँ पे ले आ पाया। अभी 100 साल चल रहे विश्व भारती का, तो उसी वजह से हम लोग एक कोशिश किया जो एग्जीबिशन दिल्ली में करेंगे, राजधानी में करेंगे, और राजधानी के लोगों को ये हिस्ट्री में है कि इधर ही फर्स्ट टाइम ये 100 साल के एक कला भवन का एग्जीबिशन ये हो पाया। तो कला भवन का सेंटिनरी 2019 में कंप्लीट हुई और फिर उसके बाद 2 साल के बाद विश्व भारती की सेंटिनरी हो रही है। तो एक्चुअली ये एग्जीबिशन जो है इन अ वे सेलिब्रेशन ऑफ कला भवन कंप्लीटिंग 100 ईयर्स एंड विश्व भारती कंप्लीटिंग 100 ईयर्स। तो इसमें जो मेन उद्देश्य जो है कि कला भवन एज ए इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स का इसका पूरा कंट्रीब्यूशन क्या है इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में स्थित विश्व भारती पिछले 100 सालों से कला और संस्कृति का गढ़ बना हुआ है। इस संस्थान ने देश और दुनिया को संस्कृति, संगीत, कला और साहित्य के क्षेत्र में अनगिनत अनमोल हीरे दिए हैं। ये दुनिया के नामी शिक्षण संस्थानों में से एक है, देश का एक लौता केंद्रीय विश्वविद्यालय जिसके चांसलर प्रधानमंत्री होते हैं।
यहाँ पढ़ने वाले छात्रों को चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत और साहित्य सहित अनेक विषयों की शिक्षा दी जाती है। विश्व भारती से पढ़कर निकले छात्र भी मानते हैं कि संस्थान से जुड़कर उनका जीवन ही बदल गया। कला भवन का जो एक्सपीरियंस है वो आपको आपसे मिलाता है। आप दुनिया में कहीं पे रहें वो आपके अंदर रहता है, शांति निकेतन हमेशा आपके अंदर जिंदा रहता है। तो ये कि वो एक जर्नी है, वहाँ पे उस एटमॉस्फेयर में रहना, वहाँ के टीचर से बात करना, जितने भी दादा लोग हैं उनसे बात करना और उस सराउंडिंग में रहना, पास में संगीत भवन है, उसके आसपास का जो कल्चरल एसेंस है ऑफ बंगाल वो है, उसके अलावा जो जो आर्ट प्रैक्टिस है वो सारा एकदम से आपको आपसे मिलाने जैसा ही है। शांति निकेतन में स्थित विश्व भारती कला और संस्कृति क्षेत्र में नए प्रतिमान गढ़ता जा रहा है। यहाँ आज भी खुले आकाश तले पेड़ों की छाव में कक्षाएं लगती हैं। हालांकि बदलते जमाने के साथ विश्वविद्यालय कंप्यूटरीकृत ऑनलाइन शिक्षा में भी आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसने अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा है। विश्व भारती विश्वविद्यालय भारत का केंद्रीय विश्वविद्यालय ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय महत्व का संस्थान भी घोषित किया गया है और यहाँ के कलाकारों की कला से जुड़ना देश के अन्य लोगों के लिए भी एक सुंदर अनुभव बन गया। रंगतरंग डीडी न्यूज। तो रंग तरंग में इस वक्त हम सरस आजीविका मेले में मौजूद हैं, जहां भारत के हर राज्य का खाना आपको लुभा रहा है। और इस वक्त हम ओडिशा के स्टॉल पर मौजूद हैं और मेरे हाथ में ये रसबल्ली मिठाई है जो छेनी से बनी होती है और बहुत ही प्यार से, बहुत ही ऊर्जा के साथ और बहुत ही धीरज के साथ इसको बनाया जाता है। ये खाने में भी बहुत लजीज है और उड़ीसा अपने आप में कला और संस्कृति का केंद्र है। तो आज उड़ीसा के एक कलाकार से आपको रंग तरंग में मिलवाने जा रहे हैं, जिन्होंने भारत में रंगमंच की परिभाषा ही बदल दी। आपको रूबरू करवाते हैं रंगकर्मी और नाट्य चेतना के संस्थापक सुबोध पटनायक से। आज रंग तरंग में हमारे साथ हैं प्ले राइटर, निर्देशक और रंगमंच को स्थानीय लोगों से जोड़ने वाले सुबोध पटनायक जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका रंग तरंग। सुबोध जी, आपने रंगमंच की जो परिकल्पना है उसको थोड़ा बदलने की कोशिश की है या वही असली रूप है रंगमंच का? हमने 1991 में एक ट्रेनिंग लिया था बादल सरकार जी से। उसके बाद हमको पता चला कि जो रंगमंच हम बोलते हैं वो इंडियन थिएटर बोला जाता है लेकिन वो ब्रिटिश थिएटर है जी। तो उसके बाद एक ढूंढना शुरुआत हुआ है कि कैसे हमारे नाटक को आधुनिक भी बोला जाए और उसको भारतीय भी बोला जाए, जो विदेश के साथ समान नहीं होगा। बिल्कुल। इसी दौरान हमने एक जर्नी शुरू किया है 92 से अभी तक। तो हमने दो ढंग का नाटक, हम प्रदर्शन का शैली अपने खुद डिस्कवर जैसा कुछ करने का कोशिश किया है, इनोवेट किया है। एक को बोलते हैं हम साइको थिएटर, जो साइकिल में जाके गांव-गांव में घूम घूम के ओपन एयर थिएटर करते हैं जी। और दूसरा इसको बड़ा करके एकमुखी मंच, जो नाट्यशास्त्र के अनुसार जो डिज़ाइन था उसी को आधारित एक मंच का शैली इसी ढंग से किया गया है कि जैसे कि कोई प्रोशीनियम का विदेशी शैली का कोई निर्भरता ना हो जी। हमने जिस रंगमंच को देखा है वो हॉल्स के अंदर, ऑडिटोरियम के अंदर होता है, क्यों आप मानते हैं कि वो पाश्चात्य शैली है? हमारा जो ओरिजिनल नाटक जो ढंग से हुआ था उसमें पहले तो भीतर का कोई कवर स्पेस का नहीं था। अच्छा। ये कवर स्पेस उसी जगह का है जहाँ पे ठंड होता है जी। और दूसरा बात यह है कि हमारे पास भी एकमुखी मंच का डिज़ाइन था और हमारे अलग अलग प्रांत में, हम भारत एक ऐसा देश है कि इसमें हर किस्म का टेम्परेचर, हर किस्म का लैंडस्केप अलग अलग जगह का है, उसका पेड़ पौधा मौसम ये सब अलग अलग ढंग का है। तो उसी के आधारित बहुत सारे फोक थिएटर फॉर्म हैं जो खुद नाटक वाले ने
बहुत पुराने समय से निकला है जी। और उसी को आधारित ही कुछ थ्योरी बना है जिसको हम नाट्यशास्त्र बोलते हैं, जो भी 2500 साल पुराना है। अपनी इस कला के बारे में बताइए, मतलब जो साइको थिएटर है उसमें किस तरीके से कलाकारों का चयन किया जाता है, स्थानों का चयन किया जाता है और विषय का चयन किया जाता है। नाटक इसीलिए ही पैदा हुआ है कि लोगों को अच्छा और बुराई के भीतर युद्ध करवा के, अच्छा को जिता के एक इंडिकेशन देना है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है। तो इसीलिए जो एजुकेशनल पर्पस है, इसीलिए हम ढूंढते हैं कौन सा सब्जेक्ट के ऊपर अभी एजुकेशन चाहिए। अच्छा। और उसके बारे में कोई कोई संस्था कुछ काम कर रहा है क्या, लोग क्या सोचते हैं, इसके लिए हम एक रिसर्च करते हैं, कल्चरल रिसर्च करने के लिए गांव में जाते हैं। कैसे आप कलाकारों को, मान लीजिए उनका चयन कैसे होता है, आप क्या स्थानीय कलाकारों को ही चुनते हैं? हम ज़्यादातर ऐसे कलाकार को छूते हैं जहाँ जो प्रकृति के साथ है, रूरल और ट्राइबल एरिया में। हम ये मानते हैं कि हमारे जो पृथ्वी है वो सपोज़ मंच बनता है तो उसका डिज़ाइनर जो ऊपर वाला है वो ऐसा, जितने सारे इन्होंने क्रिएट किया है डिज़ाइन, सब डिज़ाइन में कहीं पे स्ट्रेट लाइन नहीं है, सब में वक्र रेखा आधारित है। मनुष्य का शरीर देखिए, मेघ देखिए, पानी देखिए, पत्थर देखिए, सब कुछ वक्र रेखा के आधारित है। और जितने सारे स्ट्रेट लाइन हम देख रहे हैं ये सब मैन मेड है। तो इसीलिए हम सोच रहे हैं कि हमारा प्रकृति से ही हमारा सब कुछ कल्चरल एलिमेंट लिया गया है। स्वर प्रकृति से लिया गया है, जितने सारे वाद्य यंत्र का चीज़ प्रकृति से लिया गया है। तो प्रकृति के पास जो रहते हैं उनके पास क्रिएटिविटी बहुत हाई होता है। जब हम कल्चरल सर्वे में जाते हैं वहाँ से इनवाइट करते हैं, या तो हम इस जनरली एक कॉल देते हैं, कोई रूरल और ट्राइबल एरिया में हो तो आप आ जाइए, 3 महीने के लिए आइए, हम 1-2 महीने तक हम काम करेंगे अपने नाट्यग्राम में, जो थिएटर विलेज हमने तैयार किए हैं, उसके बाद 1 महीने तक हम साइकिल करेंगे। हमारे साथ हैं सुबोध जी, आप उड़ीसा से हैं, उड़ीसा की मिट्टी में ऐसा क्या है, वहाँ पर कला और संस्कृति का पौधा जो है वो वट वृक्ष बन के पूरी दुनिया में लहरा रहा है, क्या खास बात मानते हैं आप? उड़ीसा का पहला नाम जो था उत्कल बोलते थे, उत्कल जी। उत्कल का मतलब होता है उत्कृष्ट कला का देश, इसीलिए उत्कल मानते थे जी। तो हमारे देखिए अभी हर एक आर्ट फॉर्म में हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण हैं, जैसे कि स्कल्पचर मानिए, उसमें कोणार्क टेम्पल अट्रैक्ट द वर्ल्ड, हमारे पटचित्र है जो ओरिजिनल है, यूनेस्को विलेज डिक्लेयर किया गया है, और फिर आप देखिए परफॉर्मिंग आर्ट में ओडिसी डांस इज वन ऑफ द क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया विच इज़ वेरी प्रोमिनेंट, और हमारे जो नाटक का जो शैली है, इंटरेस्टिंगली हमारे पास 15 से ज़्यादा ऐसा फोक फॉर्म है जो 300 से 500 साल तक बच के रहा है आज तक। सारे पृथ्वी में मैं ढूंढ रहा हूँ कि 5 किस्म का जो पॉपेट थिएटर जो स्टाइल है कहाँ पे है। हमारे राज्य में उड़िया भाषा में वी हैव रॉड पॉपेट्री इन केउंझर, वी हैव शैडो पॉपेट्री इन अनुगुल, वी हैव स्ट्रिंग पॉपेट्री इन गंजाम एंड नयागढ़, we have glow puppetry, the oldest one is in Kendrapada and also Puri. ऐसा कुछ होना चाहिए जो ये सिद्ध करता हो कि आप उड़ीसा से आए हैं, कोई गीत हो, कोई कविता हो। हाँ, ऐसा है कि हम जब नाटक करने के लिए जाते हैं साइकिल में पहुँच के एक गीत गाते गाते लोगों को बुलाते हैं तो उसका 2 लाइन मैं बोल सकता हूँ। आसो 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 हो नाटो देखी बाकु आसो, आमे नाटुआ सीछू नाटो करीबू, नाटुआ सीछू नाटो करीबू,
आमको देखी आस हो नाट देखी बाकू आस। इस नाट्य विधा की हम बात करें, ये आपस में लोगों को जोड़ने का भी काम करती थी और गांव में देहातों में लोग बैठकर एक साथ रामायण महाभारत पौराणिक कहानियों का लुत्फ उठाया करते थे। आपको लगता है कि ये चीज़ कम हुई है क्या पिछले कुछ सालों में? हाँ, कम तो हुआ है। धीरे धीरे हमारे जो कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन धीरे धीरे हो रहा है, विदेशीकरण जैसा ढंग आ रहा है, ऐसे बहुत सारे गाँव अभी भी है जहाँ पर ये छुआ नहीं, लेकिन अभी बहुत सारे गांव हैं जो एक्सपोज हो चुका है शहरीकरण से, वहां पे थोड़ा डिग्रेडेशन हुआ है जी। लेकिन लोग इकट्ठे होना ये अपने खुद में एक ऐसा अभ्यास है कि हम कुछ भी एक फेस्टिवल बनाते हैं, कुछ भी एक गैदरिंग करना चाहते हैं, लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अच्छा, फेस्टिविटीज की बात चली है और हमारा देश तो त्योहारों का देश है, तो उससे जुड़ी हुई कहानी कोई या कोई लोकगीत अगर आपके मन में है जो आप हमारे साथ साझा करना चाहें। नहीं, जैसे कि हम अभी हमारे पास अभी कुमार पुन्नई जन्हो बोल के एक गीत भी होता है जो अभी अभी कुमार पूर्णिमा जो गजलक्ष्मी पूजा गया है पूर्णिमा में बोलते हैं, जैसे कि कुमार पुन्नई जन्हो गो फूल बउल बेणी, कुमार पुन्नई जन्हो गो फूल बउल बेणी, ये एक लाइन है, इसका पूरा गीत है जो कुमार पूर्णिमा के दिन अनमैरिड गर्ल्स दे यूज टू सिंग दिस एंड दे गिव ए फूड टू द मून, कि इसको ये मानते हैं कि ये हमें सुंदरता दे। अच्छा, बहुत सुंदर। सो दैट हम बाद में अच्छा बर मिले हमको, ऐसा ही। अपने इको फ्रेंडली की भी बात की थी, इको फ्रेंडली क्यों है आपका थिएटर? हमारे थिएटर में हम जो भी कुछ करते हैं वो हमारे देसी चीज़ को लेके करते हैं। हमारा जो मेजर सेटिंग्स होता है इंटीमेट थिएटर का, जो डेढ़ घंटे का नाटक शहर के लिए भी, वो सब बांस को लेके ही किया जाता है और हमारे बहुत सारे प्रॉपर्टी जो है सब बांस में तैयार किया गया है, तो हम अवॉइड करते हैं प्लास्टिक। और हमारे नाटक इसी ढंग का है कि हम सूरज के नीचे भी कर सकते हैं, कोई इसके लिए कोई ज़बरदस्ती इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं चाहिए। और सूरज की रोशनी में ही सुबोध जी, हम लोग भी आपसे इतनी खूबसूरत बातचीत कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सुबोध जी आपका रंग तरंग में आने के लिए। और जो असली रंगमंच है, जो असली अभिनय कला है, उससे हमें रूबरू कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज सरस मेले में भारत के हर राज्य का लजीज व्यंजन हमने आप तक पहुँचाया। वैसे कोई जिंदगी को इंद्रधनुष मानता है, कोई जिंदगी को फूलों से भरा गुलदस्ता मानता है, वैसे मैं कहूँ तो मेरे लिए जिंदगी एक गोलगप्पा है। गोलगप्पा आनंद के रस से भरा हुआ, इसे खाइए और जीवन का आनंद उठाइए और रंग तरंग में मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।